नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। राजस्थान से खबर है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतारी के कोलिहान खदान में कर्मियों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिफ्ट की रस्सी टूटने से सतर्कता टीम और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कई अधिकारी खदान में फंस गए। कुल 15 लोगों के फंसने की खबर मिली है, जिनमें से अभी तक 12 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और फंसे हुए अन्य 3 लोगों को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही मौके पर आसपास की सभी एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। राजस्थान नीम का थाना एसपी प्रवीण नायक ने बताया, अब तक कुल 10 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी 5 लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। अब तक टोटल 10 लोगों को रेस्क्यू कर दिया है और 10 लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है, बाकी 5 लोगों को अभी रेस्क्यू कर रहा है, अभी उधर से गाड़ी लेके आ रही है, अब थोड़ी देर में वो भी हो जाएगा। टोटल कितने लोग हैं? 15 लोग थे टोटल। कल क्या घटनाक्रम हुआ था? कितनी कल जो लिफ्ट का रोप था वो टूटने से लिफ्ट जो है वो नीचे गिर गई थी, वो अराउंड सी लेवल से -73 पे गिर गई थी, तो फिर उधर से इनको फिर रेस्क्यू किया गया है। पहले 0 पे लेके आ गया और उसके बाद अब +64 पे लेके आके फिर गाड़ी में लेके आ रहे हैं। अब फिलहाल क्या उम्मीद करें? कोई ज़्यादा चोट किसी को नहीं? वो जो सर लिफ्ट गिरने से इंजुरीज तो है सबका। कितने लोगों को बाहर रेफर कराया सर? अभी 10 मेंबर्स को, जो भी बाहर आए सबको रेफर करवा। जी जी जी। पुलिस के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब सतर्कता टीम और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी कोलिहान खदान से ऊपर आने वाले थे। उसी दौरान कर्मियों को खदान से ऊपर लाने के लिए उपयोग में आने वाली लिफ्ट की छत टूटने के कारण लगभग 15 लोग कई 100 मीटर की गहराई में फंस गए। अभी तक फंसे हुए 15 में से 11 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, वहीं सभी फंसे हुए लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही बाहर निकाले गए लोगों का मौके पर ही मौजूद डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा फंसे हुए लोगों तक खाना और दवाइयां भी पहुंचाई गई थी। जानकारी के मुताबिक 1800 फीट की गहराई में जाते हुए लिफ्ट की रस्सी टूट गई थी और इस वजह से उसमें मौजूद 14 लोग फंस गए। वहीं कोलकाता से विजिलेंस की टीम लिफ्ट में मौजूद थी और मामले की जाँच पड़ताल की। राजस्थान के भाजपा नेता धर्मपाल गुर्जर ने कहा, बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट की रस्सी टूटने के कारण यह हादसा हुआ। बचाव अभियान रात से जारी है, 3 फेज में बचाव अभियान हुआ है। अब तक की क्या स्थिति है? देखिए, जब से घटना की सूचना मिली है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ आना आवश्यक था, निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब लोग, जो प्रशासन है पूरा एक्टिव प्रशासन है यहाँ पे, जब जब हमने यहाँ पे कॉल किया तुरंत लोग हाजिर हुए हैं, चाहे हमारे उपखंड अधिकारी हो, चाहे हमारे कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो, प्रशासनिक लेवल पे मैं मानता हूँ कि बहुत फुर्ती से काम किया गया है, कहीं कोई लापरवाही नहीं की गई है। और अंदर खदान की जो बात है उसके मामले में ये एससीएल प्रोजेक्ट वाले ज़्यादा समझते हैं, आमजन का उसमें प्रवेश भी बंद है। और हम लोग जब यहाँ से आए, यहाँ पे आए उस वक्त से ये रेस्क्यू कार्यक्रम चल रहा है। इनका कोई लिफ्ट है, उनकी रस्सी टूटने से ये हादसा हुआ है जैसा जानकारी में आया बाहर, उसमें रात से रेस्क्यू चल रहा है, सुबह जाके हमें कामयाबी मिली है। 3 फेज का रेस्क्यू हो चुका है। फर्स्ट फेज में 3 लोगों को बाहर निकाला गया, सेकेंड फेज में 5 लोगों को लेके आए और थर्ड फेज में 2 लोगों की लेके आए, कुल 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 5 लोग अभी अंदर हैं और वो भी सेफ बताए जा रहे हैं। इसमें सुखद पहलू ये है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। सबके पैर में इंजरी ज्यादा है क्योंकि ऊपर से एक फ्री फॉल हुआ है, इसलिए पैर में इंजरी ज्यादा है। हमने व्यक्तिगत जो अंदर से जो लोग आए हैं उनसे बात भी की है, जो अर्ली इंजर्ड हैं उनको जयपुर रेफर किया गया और जिनको जो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो उपचार हो सकता था उनको यहाँ भी स्थानीय स्तर पे उपचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी कृपा रही है ईश्वर की, सब लोगों ने प्रार्थना की है, आमजन भी यहाँ पे उपस्थित है, रात से उपस्थित है क्योंकि ये मानवीय संवेदना का मामला है, इसलिए सब लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सब लोग सकुशल हों। झुंझुनू जिले के खेतरी और आसपास के हिस्से में तांबे का भंडार है। जानकारी के मुताबिक देश का 50% तांबा इन्हीं पहाड़ों के खदान से निकाला जाता है। खनन का काम भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन है। वहीं खेतरी के इस माइंस को खेतरी कॉपर कॉरपोरेशन
यानी केसीसी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ के नीचे खेतरी और कोलिहान क्षेत्र के 324 किलोमीटर के दायरे में 300 के आसपास भूमिगत खदानें हैं। यहाँ 102 मीटर की गहराई पर तांबा निकाला जाता है। ऐसे में यह देश की पहली सबसे बड़ी और सबसे गहरी तांबे की माइंस है। यहाँ से निकाले गए तांबे की गुणवत्ता के कारण यह लंदन मेटल एक्सचेंज की ए ग्रेड में शामिल है और इसी कारण देश में सुरक्षा उपकरण इसी तांबे से बनाए जाते हैं। बता दें कि इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड से सामने आया था। उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 17वें दिन बचाव कर्मियों को कामयाबी हाथ लगी, वहीं पूरे देश की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। आखिरकार दुआएं काम आई और हैप्पी एंडिंग देखने को मिली। हालांकि जब तक यह ऑपरेशन चला, सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ देशवासियों की सांसें भी अटकी रही। यह ऑपरेशन कई तरह की चुनौतियों से गुजरा। जब लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तब कुछ ऐसा हो जाता था कि ऑपरेशन की रफ्तार थम जाती थी। कई प्लान पर काम हुआ। चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी सिलकियारा बड़कोट सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। इसके चलते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। बेशक अंत भला तो सब भला हो गया, लेकिन इस हादसे से सबक लेने की बेहद जरूरत है। दरअसल 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे उत्तरकाशी में सिलकियारा से बड़कोट के बीच बन रही निर्माणधीन सुरंग में धसाव हो गया। यह घटना सुरंग के सिलकियारा वाले हिस्से में 60 मीटर की दूरी में मलबा गिरने के कारण हुई। इसके बाद पाइपों के जरिए सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों को ऑक्सीजन, पानी, बिजली, पैक भोजन की आपूर्ति के साथ बचाव कार्य शुरू किया जा रहा था। फंसे हुए श्रमिकों से वॉकी टॉकी के माध्यम से भी संचार स्थापित किया गया। इसके साथ ही श्रमिकों को निकालने के लिए 5 योजनाओं पर काम किया जा रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।